हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो स्पेशली मेरे बच्चों को लेके होने वाली है। अगर आप लोग सोचेंगे बच्चे कौन से बच्चे, तो जो सारे मेरे पास पेट्स हैं, जो मेरे बच्चे की तरह, खुद के बच्चे की तरह ही हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं जो कि मेरे कुछ जाने पहचाने लोग हैं, जो कि वीडियो के थ्रू मेरे बच्चों को देखते हैं एंड फिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पर है। कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स आते हैं, आपके बाकी पेट्स कहाँ है, कैसे है, उनका भी अपडेट दीजिए। तो आज की वीडियो उन सारे मेरे पेट्स लवर फ्रेंड्स के लिए है। तो चलिए मैं आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस गर्मी की वजह से। जैसे पहले मेरे पेट्स मेरे पास मेरे घर पे रहा करते थे, अभी भी सेम एज इट इज़ उसी प्लेस में ही वो है। बस मैं उधर पे नहीं हूँ, मैं मेरे ससुराल आप कह सकते हो नया घर पे मैंने शिफ्ट हुई हूँ। तो मेरे बच्चे को कौन देखभाल कर रही है वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है जो सारे सच्चे मुच्चे फिकर करने वाले मेरे बच्चों के लिए है। उन सबको थोड़ी बहुत तो जानकारी होना ज़रूरी है। मेरे बच्चे हमारे जिधर पे घर है उधर पर ही रखी हुई है, पूरे शेड के सनसेट के नीचे रखी हुई होती है। आम के पेड़ की पूरा घर पे हमारी छाव रहती है, धूप वगैरह आना या फिर गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हमारे घर में हम लोगों को भी कभी तकलीफ नहीं हुई है। और स्पेशली हमारे जितने भी रैबिट्स हैं, बर्ड्स बोलिए या फिर डोडो को बोलिए, यानी कि मेरी जो डक है, किसी को भी गर्मी की वजह से तकलीफ नहीं होगी। क्वांटिटी अकॉर्डिंग में जिसको पानी जितना ज़रूरत होती है उस हिसाब से मेरे हस्बैंड सुबह सुबह, जैसे कि 8 बजे हो 9 बजे हो, जैसे टाइम मिलती है इधर से मेरे हस्बैंड उस घर में डेली जाती है। जैसे पहले का रूटीन होते थे बाजार से सारे बच्चों के लिए खाना लेके जाना, सब बच्चों के लिए खाना लेके जाती है, इधर से मैं रोटी जब रहती है ना एक्स्ट्रा वो मैं भिजवा देती हूँ, एंड बाजार से डेली एक दुकान फिक्स है, उधर से ही सारा खाना लेके मेरे हस्बैंड घर पे पहुँचते हैं। पानी क्वांटिटी अनुसार जितना भी जिसको ज़रूरत होती है दे के, खाना दे के भरपूर मात्रा में देन वो आती है। देखभाल मेरे हस्बैंड ये भी करती है, क्योंकि अभी मैं तो डेली नहीं जा पाती हूँ। एक लड़की की शादी होने के बाद की थोड़ी सी शेड्यूल चेंज होती है, मेरा खास कुछ तो चेंज नहीं हुई है, बट नया घर पे शिफ्ट होना, थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ना, यही है। मैं मेरे बच्चों को बहुत मिस भी करती हूँ क्योंकि डेली मैं देख नहीं पाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है। वो खुद से जाके सब कुछ देखती है, मतलब देखभाल करती है। मेरे शादी से पहले भी वो करते थे मेरे साथ साथ, और अभी तो पूरा वो ही कर रही है। मैं 2-3 दिन के बाद बाद जाती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। बस यही है, क्योंकि इधर पे फ्लैट है। आप अगर सोचेंगे कि मेरे साथ में क्यों नहीं रखती हो, क्योंकि छोटा सा स्पेस है हमारे फ्लैट में, इधर पे रैबिट्स रखना, डक रखना पॉसिबल नहीं है। उधर पे हमारा खुद का घर है और वो बचपन से जिधर पे रहे आ रहे हैं उधर पर ही है, जगह चेंज नहीं हुई है, मतलब खाने का रूटीन चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसे पहले सुरक्षित थे हमारे घर पे। बट एक ही डिफरेंस है, बस मैं उधर पे नहीं हूँ, मैं इस घर में हूँ। और डॉलर को तो आप लोगों को पता ही है, एक डॉग कैसे बिना माँ बाप के रह ही नहीं पाएंगे, रैबिट रह लेंगे फिर भी, मेरी मिट्टू टिट्टू भी रह लेती है, बट मेरी डोडो में बोल रही हूँ डॉलर जो है बिल्कुल भी नहीं रह पाती है घर पे। इधर पे मैं छोड़ के जब थोड़ी बहुत आधा घंटा के लिए भी बाहर जाती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा के लिए, तो आके देखते हैं उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही है। और जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो मेरी सिस्टर है इसको संभालने वाली।